दोस्तों, हम कैसे इस तरह के ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट दैट इज गिफ को हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में और अपने प्रेजेंटेशन को एक उमदा लुक दे सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम यहाँ सीखेंगे कि किस तरीके से ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट दैट इज गिफ को आप क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में और उस गिफ को आप कैसे अपने प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैंने एक ट्रैवल मेमोरीज का प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है और जो ईयर 2023 में मैंने जहाँ भी ट्रैवल किया है उसका एक हम कंपाइलेशन टाइप का क्रिएट करेंगे और ये इस टाइप का टेम्पलेट का फॉर्मेट है। यहाँ पर हाफ सेक्शन में आप लिखेंगे टेक्स्ट और ये हाफ सेक्शन में आपका गिफ है, दैट इज़ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो यहाँ जो भी आपका, इसको मैं अगर प्ले करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर इमेजेस आपको, कई इमेजेस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो इमेजेस आपको दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट प्रेजेंटेशन क्रिएट करूँगा। सपोज़ ये मैं कंट्री गया था इस्तांबुल, ठीक है, तो इस्तांबुल नाम का एक मैं सेपरेट प्रेजेंटेशन क्रिएट करूँगा और वहाँ पर मैं इमेजेस को इंसर्ट करूँगा और फिर उसको मैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा। फाइन, फिर वहाँ जो GIF कन्वर्ट होगी उसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा इस फॉर्मेट में। तो अब देखो, ये जो प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट है वो क्या 16:9 का रेशियो में है। अब ये 16:9 रेशियो जो है आपका, उसका जो विड्थ और हाइट होता है उसको आप एक बार देख लीजिए। जो विड्थ होता है वो 33.87 है, तो इसका हाफ में आपका टेक्स्ट है और हाफ में आपका GIF है, ठीक है, GIF। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, क्लोज टू 16.935 के आसपास आता है। हाइट एज इट इज़ ही हम रहने देंगे। तो यहाँ से मुझे ये इनपुट्स मिल गए। अब देखो, मैंने क्या किया है, एक प्रेजेंटेशन पहले ही क्रिएट करके रखा है जहाँ पर वो मैं इस्तांबुल जो कंट्री विज़िट किया था उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं, कुछ चुनिंदा फ़ोटोग्राफ्स, मैंने 4-5 फ़ोटोज़ लिए हैं वहाँ पर इंसर्ट करके मैंने रखा है। तो अब मैं उसको आपको दिखाता हूँ और फिर हम वहाँ पर कैसे गिफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तो आपका हो गया कि ट्रैवल मेमोरीज़ का एक प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट हम क्रिएट करके रखें। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप आइए, देखिए मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ आप जो साइज देख रहे हैं ना, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, वहाँ पर हमने देखा था 16:9 रेशियो, करेक्ट, और वहाँ पर जो हाफ सेक्शन में आपका टेक्स्ट था, हाफ सेक्शन में आपका गिफ है। फाइन, तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ स्लाइड का जो साइज है वो देखो, पेज सेटअप में आएंगे, देखो 16.93 मैंने रखा है विड्थ, और ये आप, ये जो विड्थ है आपको 16.93, और हाइट को एज इट इज़ ही रहने दिया है मैंने। अब देखो, यहाँ पर जो भी इमेजेस है ना, इसको अगर मैं मिनिमाइज़ करूँ, देखो यहाँ पर मैं मॉर्फ ट्रांजिशन क्रिएट किया हूँ, ठीक है, इसलिए आपको बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन दिखेगा फोटोज़। ये जो फोटो है इसके बगल में एक और फोटो है, एंड सो ऑन, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे मॉर्फ किया जाता है। यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा कि गिफ हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ 4 फोटोग्राफ्स रखे हैं और यहाँ मॉर्फ ट्रांजिशन आपका लगा हुआ है। फाइन, तो अब देखो हमको क्या करना है कि इसको मुझे एक्सपोर्ट करना होगा। तो एक्सपोर्ट हम कैसे करेंगे, आप यहाँ पर मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं फ़ाइल में जाता हूँ और यहाँ से हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखो, पहले है ना, गिफ्ट क्रिएट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स या फिर ऑनलाइन कुछ ऐसा कन्वर्ट करना पड़ता था, बट अभी जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है वहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ पहले से ही अवेलेबल है। तो मैं ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ, तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ इस्तांबुल गिफ्ट 1। फाइन, मैं इसे सेव कर लेता हूँ ये गिफ्ट वाले फोल्डर में। यहाँ पर से मैं फाइल फॉर्मेट को सेलेक्ट करता हूँ और एनिमेटेड गिफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, आपसे पूछ रहा है डिफरेंट क्वालिटीज़, तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज अगर आप करोगे तो उसका ऑब्वियसली बाय थे उसमें जो फाइल का साइज होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज यूज़ करूँगा। और यहाँ पर देखो, सेकेंड स्पेंड ऑन ईच स्लाइड, तो इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 सेकेंड्स रखता हूँ। तो आपका जो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जो जाएगा, तो आप हर स्लाइड पर 3 सेकेंड्स आप स्पेंड करेंगे। तो इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, तो आप देखो नीचे में दिख रहा है कि पावर पॉइंट इज सेविंग दिस पर्टिकुलर स्लाइड इन गिफ्ट फॉर्मेट। अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, तो देखिए हमारा यहाँ पर गिफ्ट आ चुका है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, ये जो हमारा फोल्डर में है, दैट इज गिफ्ट वाले फोल्डर में है मेरा, तो मैं फिर से वापस से आता हूँ ट्रैवल मेमोरीज वाले, इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पर से मैं आ जाता हूँ ट्रैवल मेमोरीज़ वाले प्रेजेंटेशन में। अब यहाँ पर हम उसे इंसर्ट करेंगे गिफ्ट को। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ गिफ्ट को, तो यहाँ पिक्चर्स फ्रॉम फाइल में सेलेक्ट करूँगा, तो ये गिफ्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इंसर्ट पर क्लिक किया,
अब इस GIF को हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। अब इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेंड टू बैक कर देता हूँ। फाइन, अब देखो क्या हो रहा है कि हमने जो क्वालिटी सेलेक्ट किया था, तो देखो यहाँ क्वालिटी आपका डिस्टॉर्ट नहीं हुआ। तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपका रिजोल्यूशन का साइज़ भी कम होते जाएगा। अगर मान लो सपोज आपने एक्स्ट्रा लार्ज की जगह लार्ज सेलेक्ट किया या फिर मीडियम सेलेक्ट किया, तो वहाँ पर आपका जो रिजोल्यूशन भी आपका श्रिंक होता जाएगा। तो आपको फिर अकॉर्डिंगली उस तरीके से जिस फॉर्मेट में आप रखना चाह रहे हैं, जो भी साइज़ में आप रखना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप उस तरीके से यूज़ करिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आप सपोज़ मीडियम क्वालिटी में सपोज़ आपने उसको एक्सपोर्ट किया होता और आप इस साइज़ में फिर उसको आप स्ट्रेच करते हैं, तो आपका जो गिफ था वो आपका पिक्सेलेट कर जाता और उसकी जो क्वालिटी वो डिटोरिएट हो जाती। तो मैंने क्या किया था, पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये हाफ सेक्शन में रखना है, एंड अकॉर्डिंगली मैंने हाफ सेक्शन का जो साइज था उसी अकॉर्डिंग मैंने दूसरा एक स्लाइड क्रिएट किया था। तो उस तरीके से मैंने क्वालिटी को मेंटेन रखा है यहाँ पर। तो अगर आप इसे अब स्लाइड शो मोड में जाएंगे तो देखिए आपका किस तरीके से ये दिखता है। देखिए आपका वो ये जो पिक्चर्स हैं, और आई वुड से जो पिक्चर्स को हमने गिफ्ट में कन्वर्ट किया था वो आपको देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। तो ये आपके प्रेजेंटेशन को एक बहुत ही उम्दा लुक प्रोवाइड करता है। फाइन, इस तरीके से गिफ्ट को इंसर्ट किया। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सपोज़ कोई मोबाइल फ़ोन लिए, ठीक है, उस मोबाइल फ़ोन का एक आइकन टाइप का या फिर उसका इमेज को इंसर्ट कर दिया, उसमें उसके स्क्रीन पे हम इसको लगाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही उम्दा लुक देता है, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा आपका प्रेजेंटेशन। या फिर आपका सपोज़ कोई लैपटॉप का स्क्रीन आपने इंसर्ट किया है प्रेजेंटेशन में, कोई आइकन है या फिर कोई इमेज इस तरीके से है जिसका आपका बैकग्राउंड आपका बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट है और बाकी आपका सिर्फ लैपटॉप है या फिर उसमें मोबाइल फ़ोन है बना हुआ, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस स्क्रीन में इसको इंसर्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने उस तरीके का ही एक सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक सेलफोन है आपका, ठीक है, तो हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे GIF, GIF इंसर्ट करेंगे, तो ये प्रेजेंटेशन को बहुत ही डिफरेंट लुक देता है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं वापस से इंसर्ट करता हूँ पिक्चर फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे मैंने बेस्ट क्वालिटी लिया हुआ है, तो इसको जब मैं श्रिंक करूँगा तो आपका वो डिस्टॉर्ट उस तरीके से नहीं होगा। बट अगर मान लो क्वालिटी आपका बहुत ही मीडियम क्वालिटी का होता, जहाँ पर आपका फ्रेम्स पर सेकंड भी कम होते हैं और आपका रिजोल्यूशन कम होता, तो वहाँ पर जब इसको स्ट्रेच करेंगे ना तो वो आपका पिक्सेलेट हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने सबसे बेस्ट जो क्वालिटी था वही सेलेक्ट करके रखा है। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको मैं पॉज कर देता हूँ। और यहाँ पर से मैं इसे अब इसे हम देखते हैं स्लाइड शो में, तो देखिए कितना डिफरेंट एक और एक अच्छा लुक दे रहा है, लग रहा है ना कि फ़ोन में आपका वो चल रहा है इमेजेस। तो इस तरीके से आप गिफ को क्रिएट कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशंस को बहुत ही ब्यूटीफुल लिख दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।